आपने बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी आलू की कढ़ी खाई है? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी, जिसे हम बनाएंगे बिना बेसन के। ये कढ़ी बहुत ही झटपट बनके तैयार होती है, और अगर आपके पास घर में सिर्फ आलू है तो आप इस कढ़ी को बना के मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू की कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में हाथ से तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसकी कढ़ी बनाएंगे। हमें इसे बिल्कुल मैश नहीं करना है, सिर्फ बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लेना है। और उसके बाद हम आधा कप दही लेंगे, और दही को भी हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे दही को मैं पहले अच्छे से फेंट लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे। कढ़ी बनाते समय अगर इसमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऊपर से और ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा कढ़ी बनाने के लिए छाछ बन गया है। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ऐड किया है, और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना, 1/4 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1/4 चम्मच जीरा लिया है, और थोड़ी सी मैंने हींग ली है। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। मसालों को चटकने तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे कुटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसे भी हम तेल में 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भून लेने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इससे पहले हम गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। तो मसालों में मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। तो अभी इसमें इतने ही मसाले ऐड होंगे, इससे ज़्यादा मसाले आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को तेल में थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें उबला हुआ आलू ऐड कर देंगे। तो ये मसालों के साथ हम आलू को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि आलू से एकदम अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। तो यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छे से आलू को भूनना है। तो यहाँ पे आलू और मसाले अच्छे से भून गए हैं, तब हम इसमें ऐड करेंगे फेटा हुआ छाछ। और छाछ ऐड करने से पहले आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, या फिर आपको बंद कर देना है, नहीं तो ये जो दही है वो फट जाएगी। तो यहाँ पे छाछ को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। तो मुझे कढ़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो मैं यहाँ पे पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। लगभग 3 से 4 मिनट आप इसे ऐसे पकने दीजिए। तो मैंने इसे लगभग ढक के 4 मिनट तक पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि 4 मिनट पकने के बाद हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पर अभी भी ये कढ़ी हमारी जो है बिल्कुल बन के तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसमें हम लगाएंगे बिल्कुल मज़ेदार सा तड़का। तड़के के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल की जगह आप घी, बटर कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 8 से 10 करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता डालने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, जिससे ये तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और इस गर्म गर्म तड़के को हम डालेंगे इस कढ़ी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और 2 मिनट ढकने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी आलू की कढ़ी जो है बनके तैयार हो गई है। देखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रही है। और आपने देखा कि इस कढ़ी में हमने बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जब भी आपके पास घर में कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल ना हो और आपको पूरी पराठे के साथ कुछ चटपटा सा सब्जी या फिर कढ़ी सर्व करना हो, तो आप इस आलू की कढ़ी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है।